नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ABSS शांत कुमार विरुद्ध द्वारा जिला अधिकारी महोदय को सौंपा गया ज्ञापन। श्रावस्ती के जिला कार्यालय तिलक नगर भिनिका श्रावस्ती में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के ABSS के पद अधिकारियों ने मुहिम राष्ट्रपति महोदय भारत गणतंत्र नई दिल्ली द्वारा जिला अधिकारी महोदय श्रावस्ती के शांत कुमार विरुद्ध जिला अध्यक्ष व अन्य लोगों ने मिलकर आज 24 सितम्बर 2020 को पुनापेक्ष 89वीं साल गिरोह का अवसर रद्द कर कम्युनल आवाज लागू करी है। मांग को लेकर देश के कई प्रांतों सहित उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर एक दिवस धरना किया गया था। जिला अधिकारियों के माध्यम से दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी 15 सूत्र मांग के समर्थन योग ज्ञापन सम्मुख प्रस्तुत किया और मुहिम राष्ट्रपति महोदय से अपील करते हुए कहा कि 24 सितंबर 1932 दलित आदिवासियों को मिले कम्युनल अवार्ड विरुद्ध में अवरोध अनशन पर बैठे गांधी जी प्राण बचाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर उच्च वर्ग के प्रतिनिधियों मदन मोहन मालवीय आदि के बीच पुनः पिकेट नाम एक समझौता हुआ था। खास रिपोर्ट बोजो अहमद के साथ। जो है पुना पैक्ट के दिन आज के दिन समझौता हुआ था कि हमें आरक्षण दिया था, हमारे आरक्षण पर कुठाराघात किया था, हमें आरक्षण के साथ में जो हमें कम्युनल अवार्ड लागू किया गया था, हमें अपना कम्युनल अवार्ड लागू कर वापस कर दें। आरक्षण से तो फिर हमारा कोई मतलब मिलेगा, हमें जो 2 वोटों का अधिकार था वो मिल जाए और हमें जो है सभी शिक्षा क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें हमें जो है भागीदारी बताया जा रहा है उसे हम रोका जाए, निजीकरण को खत्म किया जाए। पूर्व जिला अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति श्रावस्ती सबसे बात देता हूँ कि मेरी बात मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचा रहे हैं। आज हम लोग जो जिलाधिकारी महोदय श्रावस्ती के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को और माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन में, मुख्य बात ये है कि जो 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब अंबेडकर ने पूना पैक्ट के माध्यम से कम्युनल अवार्ड ब्रिटिश हुकूमत से प्राप्त किया था उसमें ये था कि धन धरती जमीन और समस्त चीज़ों में, चाहे वो 2 सेपरेट सेटलमेंट का मामला हो, प्रत्येक निर्वाचन का मामला हो या 2 वोट देने का अधिकार का मामला हो, हम लोग पूना पैक्ट के माध्यम से उस समय ये तय हुआ कि ठीक है आप सेपरेट सेटलमेंट की बातें मत कीजिए, आपको सभी तरह के आरक्षण के माध्यम से सभी तरह के प्रोटेक्शन समाज को हम देंगे। लेकिन उस बात को, उस कम्युनल अवार्ड की कही हुई बातों को आज समाज के कुछ चंद और चालाक लोग उस हमारे पूना पैक्ट के माध्यम से जो समझौता हुआ था उस पर कुठाराघात करने में लगे हुए, आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने के लिए सभी विभागों को निजीकरण के क्षेत्र में ले जा रहे हैं, क्योंकि आरक्षण तो सरकारी सेक्टर में है ना कि प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इस निजीकरण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और जो कम्युनल अवार्ड हमें उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से हमारे समाज को, बहुसंख्यक समाज को मिला था, वो हमें वापस कर दें, आरक्षण को अपना लें।